हे एवरीवन, राधे राधे, कैसे हैं आप लोग? आई होप से आप लोग ठीक होंगे। तो आज का जो मैं ब्लॉग लेके आई हूँ, आप पूरा का पूरा एंड तक। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंशु शुभम ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। और अभी बैकग्राउंड देख के आप लोगों को समझ आई क्या होगा कि हम लोग अभी कहाँ हैं। अभी हम लोग घर से निकल के पहले तो स्टेशन पर रुके, टिकट कन्फर्म नहीं हुआ था मम्मी पापा का। दो ही टिकट हुआ था तो कन्फर्म नहीं हुआ था, तो वो लोग फिर से अभी अम्बाला जा रहे हैं। और हम लोग सोचे कि जब हम लोग दिल्ली आ गए तो हमारा एक शूट था प्रमोशन का तो हम लोग कल जाएंगे अम्बाला, ठीक है? क्योंकि पता है, मतलब भाभी को अकेला छोड़ना भी ठीक नहीं है, मतलब वो अकेली है अभी, तो अकेले छोड़ना भी मतलब ठीक नहीं है। और प्लस में कि अभी ऐसा सिचुएशन आ गया है ना कि समझ नहीं आ रहा कि इस सिचुएशन से कोई निकले तो निकले कैसे। ना हम लोगों को घर जाना बन रहा है, ना वहाँ जाना बन रहा है। मतलब वहाँ पे तो जाने के बाद इतना टेंशन हो जा रहा है ना, इतना टेंशन हो जा रहा है, भाभी को वैसे देख के इतना ज़्यादा टेंशन हो जा रहा है ना, बर्दाश्त नहीं हो पा रहा एकदम। मतलब हमारे बस में, समय से सब ठीक हो जाएगा, हमारे बस में होता नहीं ये चीज़, तो हम कब को इसको कंट्रोल कर दिए होते, लेकिन हमारे बस में कुछ नहीं है। हम लोग उसी से हार के हम लोग आज वहाँ से निकल गए। हम और मम्मी सब कोई निकल गया कि भाई अब हम लोगों के बस का बात नहीं रहा ये, ठीक है? लेकिन फिर भी कुछ ठीक नहीं हो रहा है। जितना उसको ठीक करना हम करने का कोशिश हो रहा है, उतना ही वो चीज़ बिगड़ जा रहा है। तो अमित भैया से भी मैंने बोला कि चलिए अभी भी थोड़ा सा मूड फ्रेश कर देते हैं उनका, लेकिन अब ये लोग भी कह रहे हैं कि भाई कोई फ़ायदा ही नहीं है करने से कुछ भी। और हम लोग ऐसा देख के भी आ गए कि मतलब उसी वजह से हम लोग मतलब एक थक के हम लोग निकले कि भाई हम लोग को फायदा ही नहीं है वहाँ पे कुछ भी बोल लो, क्या होता है कि आप सब लोग सिर्फ वीडियो में देख रहे हो, हम लोग हकीकत में मनीषा की स्थिति परिस्थिति जो भी है सब कुछ देख के आए हैं। उसके जो आंसू गिरे ना, मतलब आप, मैं बोल रहा हूँ कि कोई दुश्मन भी होगा ना मनीषा का, वो भी उसको गले लगा कर रोने लगेगा जिस सिचुएशन से मनीषा गुजर रही है। लेकिन कुछ लोग मनीषा को गलत ठहरा रहे हैं, लेकिन कि मियां बीबी का भगत है। लेकिन ये जो जनता है इतनी भी बेवकूफ नहीं है। और बस मनीषा के साथ हम लोग हैं, और मैं गया हूँ, देखा हूँ कि भाई अंशु कितना स्ट्रगल की है, मतलब मनीषा को लेकर। हमेशा मनीषा के साथ रहना, कि मनीषा एक होता ना, एक इंसान हमेशा साथ में रहे तो आदमी कोई गलत कदम ना उठा ले। ऐसा सिचुएशन में जो बोल रहा हूँ, लोग समझने की कोशिश करो। गाइस, बस मतलब इतना ये हो गया ना कि मतलब अब हम आए हैं ना, तब से हमारा दिमाग वहीं पे है, निकले हैं तब से वहीं पे है कि भाई नहीं, भाभी कैसी होंगी, क्या कर रही होंगी। उनका फ़ोन भी आया था, तबीयत भी ठीक नहीं है, फिर से तबीयत बिगड़ गया। और बहुत लोग बोल रहे हैं कि वो दोनों साथ में चले गए ऐसा नहीं है, हम खुद गए थे भैया को स्टेशन छोड़ने, हम गए थे, ये गए थे, राशिद गया था, मतलब हम लोग खुद गए थे उनको छोड़ने वहाँ तक। और मतलब क्या ही लोग बोलते हैं भाई, लोग क्या बोलते हैं, वो तो लोग खुद ही जिस तरीके का थंबनेल चल रहे हैं, जिस तरीके का टाइटल डाल रहे हैं, लोग खुद ही दिख जा रहे हैं क्या डाल रहे हैं। सच में पता नहीं कोई, तो मैं देख रहा हूँ वरमाला डलवा के खड़ा करवा दिया है, कल को कोई कुछ भी करवा के खड़ा करवा देगा भाई। किसी ने 4 दिन पहले मनीषा को हॉस्पिटल के बेड पे लेटा दिया था, बताओ कुछ भी नहीं कह सकते। और एक तो रिएक्शन, और लेकिन जिसको चांद सितारों पे भेजना चाहिए उसको नहीं भेज रहे हो आप लोग। तो सब कुछ सही हो सकता है, लेकिन हम ये क्यों कहे, बस जो भी गलत हुआ है उसका हिसाब भगवान ही कर सकते हैं भाई, हम लोग कौन होते हैं। लेकिन सजा तो मिलेगी, और किसी को गलत बोलने वाला, हाँ, सजा तो मिलेगी भाई। कौन सही है कौन गलत है वो आप सब लोग बखूबी जानते हो, बखूबी जानते हो। लेकिन क्या है कि जिस तरीके की ये पंचायती बैठ रही ना डेली लाइव आकर के जाकर के, आप लोग जो जाकर बैठ करके देख रहे हो ना, उससे उनके हौसले बुलंद हो रहे हैं। क्या करना है वही ना। और एक चीज की क्या झूठ मूठ का रिकॉर्डिंग खेला जा रहा है, समझ नहीं आ रहा। एक ही बार में क्लियर कर दो अगर करना है तो। और लोग पता नहीं क्या लाइव अगर के ना, आज मैं इतना, आज तक के लिए मैं इतना ही करूंगी, व्यूज के लिए, बस व्यूज के लिए। लोग पता है ऐसे ना पागल हो जाएंगे, खुद तो पागल हो रहे, दूसरे को भी पागल। मैं आपको बताऊं,
जो भी ऑडियंस है ना उनके घर की स्थितियां खराब हो रही हैं। लेडीजें बोल रही हैं कि इनके चक्कर हम चार चार महीने तक जग रहे हैं। स्टेशन पे एक सब्सक्राइबर मिल गई थी मेरी, मेरे को पहचानी पहले, उसके बाद आई तो मम्मी को भी देखी, फिर बात की तो उस टाइम पे मम्मी की आंख से आंसू गिर गया। मतलब वो पूछी कि सब ठीक है आंटी, मम्मी की आंख से आंसू गिर गया वो सब, मतलब वो उनका बात सुन के। ठीक है, वो लोग भी परेशान है, कह रही थी ना कि कल हमको टाइम नहीं मिला, हम सुबह से व्लॉग नहीं देख पाए थे, तो कल रात को हम सोने गए तो 3 बजे तक आप लोग का व्लॉग देखे। ऐसे ही जानती है, जो ना 3 बजे सो रहा है, हम लोग सोचो 2-3 बजे, हम लोग आजकल हम लोग 5 बजे हम लोग भी कल 5 बजे भैया को 3 बजे उनका ट्रेन था तो हम लोग छोड़ के आए, उसके बाद आते आते 4:30 हो गया, फिर भाभी के पास आधा घंटा बैठे लोग, उसके बाद फिर करके उसके बाद जाके तब हम लोग सो गए, उनकी मम्मी भी वहाँ पे, उनको वहाँ पे जाने दी। फिर कहाँ कहीं जाओ तुम, अब उनका जाने का मन था तो कोई कैसे रोक सकता है। भाभी का भी मन था, मतलब भाभी का भी मन था जाने के लिए, बट अब पता नहीं क्या मन था नहीं था, भगवान जाने, वो तो बट नहीं रोक पाई वो। लेकिन मतलब मेरे को उनको देख के लगा कि उनका मतलब अंदर से नहीं हो रहा था कि वो जाने दे, ठीक है, बट फिर भी एक अलग से शकल पे नहीं आने दे रही थी कि हाँ जाने वाले हैं, लेकिन हमको तुम लोगों को ना छोड़ के नहीं आना चाहिए था, तुम लोग फिर से चले जाओ। हम लोग जाएंगे, हमको छोड़ के नहीं आना चाहिए था, लेकिन सिचुएशन उस टाइम पे ऐसा क्रिएट हो गया था ना कि हम लोग को भी बाहर निकलना जरूरी है, क्योंकि मुझे पता है जब हम एक दिन थे हम तो भाभी से, तो फिर हमारी स्थिति क्या हो रही थी, ये लोग तो बेचारे परेशान, पता है वहाँ पे ना, मतलब आप कोई भी होगा उसको पता होगा, वहाँ पे ना अजीब सा एकदम लग रहा है ना कि मातम छाया हुआ है चारों बगल, वैसा हो गया है माहौल एकदम एकदम बेकार। और भाभी को वहाँ से निकलना ज़रूरी है सबसे पहले, वहाँ से निकलेंगी ना, अगर सिवान भी वो रहती हैं तो थोड़ा सा उनका माइंड फ्रेश रहेगा, कोई आता जाता रहेगा, दो चार नए नए लोग बात करेंगे। मनीषा कुछ दिन मायके जाओ, घूम रहो कुछ दिन, थोड़ा सा डिस्टेंस लो दोनों, अब देखिए क्या होता है नहीं होता है। लेकिन हम तो भाई यही कहेंगे कि दोनों लोग साथ रहे, दोनों लोग अच्छे से रहे, साथ रहे। मतलब ऐसा हो रहा है ना कि कभी कल मतलब ऐसा हो रहा है ना कि सब कुछ ठीक होने ही वाला होता तब तक एक नया धमाका आ जा रहा है, हाँ यार, एक नया विस्फोट आ जा रहा है, एक नया रिकॉर्डिंग आ जा रहा है। भाई जो बात पहले की है बीत के लोग आगे बढ़ रहे हैं, उसको बढ़ने दो भाई, क्या उसको बीच में नया ये करना है। हम लोग का भी किसी के पास रिकॉर्डिंग है तो थोड़ा भेज दीजिएगा सोशल मीडिया पे, पता नहीं क्या रिकॉर्डिंग चल रहा है, हमारी भी आएगी, मेरी रिकॉर्डिंग किसी के पास होगा तो बहुत बोल रहा है सर, पता नहीं है ना कि बिना पूछे रिकॉर्डिंग करने से भी केस होता है, नहीं लीगल सिबे की लोग को नहीं, बट था ठीक है, ऐसा रूल आया था बीच में, बट पता नहीं क्या ऐसा है किसी का रिकॉर्डिंग। आपको पता है जब भी हमारा मीटिंग होता है ना YouTube का, YouTube कमिटी मीटिंग होता है हमारा मैनेजर के साथ, तो मुझसे प्रॉपर परमिशन लेता है, अमित जी क्या मैं आपका और अपना जो कॉल हो रहा है इसको रिकॉर्ड कर सकता हूँ, मैं बोलता हूँ हाँ जी, तो रिकॉर्ड करता है। आप देखते हो कि आप जब भी कस्टमर केयर से कॉल होता होगा तो आपको प्रॉपर नोटिस आता है कि ये कॉल रिकॉर्ड की जा रही है, वो कुछ बोलते हैं वो लोग। और एक दो हम ये का रिप्लाई देना चाहते हैं, मेरे पे कमेंट आया था, कोई कोई थंबनेल यूज कर रहे हैं मेरा फोटो, तो उसपे भी हो सकता है, हाँ उसपे भी स्ट्राइक दे सकते हो, उसमें तो सीधे तिहाड़ जेल के क्या बोलते हैं बैरक नंबर 602 में जाकर के बंद कर दिया। मेरे पे कमेंट आया था पता है क्या, कि अगर मनीषा के जगह पे तुम होती और तुम्हारा पति ऐसा किया होता तो तुम क्या करती, इसका एकदम क्लियर कट जवाब, नहीं इसका क्लियर कट जवाब, मैं अपने पति को डिच किए हैं, भाई हम चढ़ावा नहीं दे रहे किसी को भी, बता रहे हमसे नहीं बर्दाश्त होगा भाई, भाभी बहुत महान है भाई, भाभी बहुत महान है कि ये सब सुन के हाँ देखिए क्या कर रहा है। उसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ अंशु तुम्हें, इंसान जितने भी ह्यूमन बीइंग है हम लोग सबका वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ जो होता ना कि सोच, नजरिया, बिहेवियर, कुछ लोग होते हैं ना बिल्कुल कठोर होते हैं, कुछ लोग दिल के नाजुक होते हैं, कुछ लोग सरल होते हैं, कुछ लोग चालाक होते हैं, तो मनीषा सरल है, चालाक नहीं है, तो उसके अंदर वो चीजें चाह के भी वो कर नहीं सकती, वो चीज बोली जैसे हमको कोई बोले हम तो तुरंत होता ना कार ये कर देंगे वो कर देंगे, मनीषा के अंदर वो चीज अब समय उसके अंदर ऐसी चीजें करवा रहा है, अब वो उस माहौल में जा रही है जो कि वो उस तरीके की लड़की है ही नहीं, वो सरल स्वभाव की है, तो वो उसका पति भी कुछ गलत करेगा ना तो वो ऐसा
कुछ बोल ही नहीं सकती है, वो चीज है। पति को भी गलत करने पे मजबूर किया गया है ना भाई। तुम मनीषा से एज में कम हो, तुमने क्या बोला मैं ऐसे कर दूंगी, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव वैसा है, मनीषा का स्वभाव वैसा नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हर किसी का स्वभाव एक जैसा नहीं हो सकता है, जितने भी इतने करोड़ों लोग हैं हर किसी का अपना अलग अलग नेचर होता है, बस वो चीज है। हम तो मुंह खर के हैं इसीलिए लोग हमको कहते हैं हमको बोलने नहीं आता है। इधर आ बाबू, अच्छा ये प्रैंक के मैं बुझा गया था, आप एक्सेप्ट कर लेंगे। इधर आ बाबू, हम ऐसे ही बोलते हैं, बोलिए क्यों दूसरी क्यों बाबू, क्या बाबू बाबू करते रहते हो बाबू, ये बच्चा बीच में मजा ले रहा है बाबू बाबू। सोना कहीं कहीं के लड़कियां फुल पोट लेता है लड़कों को, ऐसा लड़का बहकावे में आ जाता ना सर। बात ये बात नहीं भाई, गलत तो हुआ है, गलत तो भैया के साथ हुआ है भाई। अब पूरा सिर्फ अगला पर्सन सिर्फ भैया का ही रिकॉर्डिंग ला रहा है, अगले पर्सन का भी रिकॉर्डिंग ला है पूरा। गाइस मुद्दे से हट के बात करते, गर्मा गर्म चाय बन रही है शुभम बाबू के लिए, अंशु के लिए, क्योंकि यहाँ का चाय बहुत फेमस है, तो ये लोग स्पेशली अम्बाला से चाय पीने हमारे घर आए। सही में बहुत हम लोग रास्ते में थे ना, फिर इनका सर दर्द हो रहा था, फिर बोले अरे किट्टो दी क्या चल रहा है ना, चाय मिल जाएगा ठीक हो जाएगा। और हम लोग का चाय का टाइम यही होता है 6:30 बजे, जब मैं दिया चला लेता हूँ ना उस वक्त 6:30 बजे बाद किट्टो बनाती है। और मेरी सास ने फोन की कहीं चाय बनी कर, 4 बजे मम्मी से बात होती, मम्मी कह रही है चाय पिए, हम कहा मम्मी भी खाना खाएं, खाना खाएं, हम कहा मम्मी आप वहाँ पे 10-11 बजे तक खा लेती हूँ, यहाँ तो 10-11 बजे चाय पीते हैं, सब कोई सो जाता है, यहाँ चाय पीते हैं हम लोग, और मम्मी लोग तो 8-9-10 बजे तक सो जाती है, क्योंकि मम्मी लोग का वही है। और मैं अपनी मम्मी लोग का बात बताता हूँ, मेरी मम्मी लोग को इन सब चीज़ों से कोई लेना देना ही नहीं है, मम्मी लोग को तो नहीं होगा। बढ़िया है, मेरी मम्मी सोशल मीडिया पे नहीं है भाई, नहीं तो मेरी मम्मी को भी लोग उल्टा पुल्टा वो कर देते हैं। लव यू मम्मी, यही सब ना बेकार है जी। मेरे पापा भी कभी कुछ ले, मेरे फैमिली में भी हैं सासू माँ ससुर जी, कभी तो खूब तारीफ करते हैं सब कोई, कभी एक बैग एकदम ये है ऐसी है वैसी है पता नहीं कैसी है कुछ भी, कुछ भी। लेकिन तुम बैठ के पलसू से काट रही थी ना सब्जी, बड़ा अच्छा लग रहा था देख के तुमको। हम करते हैं काम, हमेशा हम दिखाते नहीं, हम पहले बात वीडियो नहीं अंशु नहीं दिखाना चाहिए, क्या करें अब। लेकिन तुम भी रिकॉर्डिंग करो, दिखाया करो वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं भाई, रिकॉर्डिंग इतना ही हो गया ना कि अब डर लग रहा है। आप नहीं ना कर रहे रिकॉर्डिंग? हाँ, कैमरा मेरा रिकॉर्डिंग चल रहा है, वो दिखाओ ना, वो दिखाओ रिकॉर्डिंग, वो दिखाओ कैमरे लगा के रखे हैं। रिकॉर्डिंग मेरे घर में कोई छींक और पाद भी देखा ना, उसका भी रिकॉर्ड हो जाएगा भाई। बाबू रिकॉर्डिंग लगल है, भागो। हम तो वैसा वाला नहीं करते, हमारा डायरेक्ट सब कुछ रिकॉर्ड गुन्ना विथ वॉइस विथ वीडियो। इस कैमरे की वजह से बहुत सारी चीजें हमारे सामने आई हैं, तभी मैं जानती हूँ। बहुत सारे लोग, एक बार मेरे यहाँ को भी अपने घर के अंदर लगवा रखा है कैमरा भाई, सेफ्टी सही बात है घर में, मेरे वहां से मेन गेट से यहाँ तक घुसने से लेके यहाँ तक आने तक लेके यहाँ तक आने तक लेकर के ना कितने कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएंगे तुम्हें खुद ही नहीं पता। जगह जगह बच्चा कितना प्यार कर रहा है, सबको देखिए सबको देखिए, जाओ जाओ दे दो अंशु का, अंशु 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 का बेटू, पापा कुछ नहीं है, पापा पापा अंशु को देख के कितनी पतली सी है, छटका है अंशु अंशु दामेदार, जाओ देते जाओ जाओ देते जाओ जाओ देते जाओ। गुना भी डायपर नहीं पहना ही हो, अभी जस्ट निकाले हैं अंशु, दे दो अंशु, अच्छा जा दे दो दे दो अंशु, कुछ नहीं बोलेगी अंशु, ने पैसा दे दी तुमको और खो भी गया था। सुनो पैसा दी है, पैसा दी है ना, दे दो 500 रुपए के किससे, जबरदस्ती अंशु नहीं देगा, 5 लाख कमाती होगी ना, हम नहीं। अच्छा मेरा भी एक भी इनकम ही नहीं आया है इस मंथ में, आने वाला है मेरा तो पैसा ही नहीं आया, मेरा तो आज तक YouTube से एक मेरा तो फेसबुक से आया था अगले मंथ, 4 साल हो गए, कोई नहीं बताता कि फेसबुक से कितना पैसा आता है, हम बताते हैं हमारा फेसबुक से अगला मंथ में बहुत कम, मतलब हम वीडियो कभी कभी डालते हैं, फेसबुक हम ज्यादा यूज नहीं करते, कम आया तभी बता रही है, 10-15 हज़ार आया था, हम डालते ही नहीं है बिल्कुल भी, हमारा फेक पेज पे इतना सारा वीडियो। क्यों अंशु बता रही, क्योंकि अंशु कम आया ना, जब ज्यादा आया होगा तो नहीं बताएगी, नहीं हमारे यूट्यूब पे भी ज्यादा से ज्यादा बता रहे हैं।
अब की बार अभी जो पेमेंट बना है हमारा YouTube पे वो ज्यादा से ज्यादा मैं अपना बताता हूँ। चलिए इसके ऊपर एक वीडियो बताएं। मैं अपना बताता हूँ, मेरे को Facebook से हर महीने आता है 10 लाख रुपए, Instagram से मेरा 15 लाख रुपए आता है और YouTube से आता है मेरा 35 लाख रुपीज पर मंथ। तो जैसे जो लोग बोल रहे थे 2-2.5 लाख रुपए महीने, हम इतना नहीं कमाते भाई, इतना हमारा एक दिन का कमाई है। बहुत सफेद झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। हल्के में ले रहे हो क्या? हाँ भाई, तभी तो घर देख रहे हैं आप लोग, घर देख रहे। अरे घर छोड़ो पागल, घर लोन पे। अभी तुम्हें पता नहीं हम अवार्ड जीते हैं, मीशो पे फर्स्ट आए हैं, पता है कि नहीं? पता है। हम लोग 10 ग्राम का क्या मिला है? अरे पागल नहीं, 10 ग्राम थोड़ी नहीं, 100 ग्राम गोल्ड, 100 ग्राम गोल्ड ट्रिपल एक्स से पति पत्नी का, पति पत्नी का भाई चांदी का खर्चा, खाना पीना सब है। नहीं था जब इंडोने वाला था तब पता चला। एक महीना में 1 करोड़ रुपए कमाए, 1 करोड़ रुपए बस, मस्त।